कि मेरी बातों से कहीं ज्यादा जरूरी, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी जिम्मेदारी, आपके देश के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है वह है। तो जैसे आप यहां आए हैं जरूर 30 तारीख को निकलिए, सोनिया जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि देश भर में यह संदेश जाए कि हर रैली क्षेत्र के लोगों की तरह देश का एक एक वासी अपना क्षेत्र बदल सकता है, अपने देश के विकास में भागीदार बन सकता है। जय मान्य आई हूं मैं आपसे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निराश नहीं करेंगे। आप जैसे यहां आए हैं उसी तरह मतदान केंद्र में जाकर भारी बहुमत से सोनिया जी को जिताएंगे। सोनिया जी का सवाल है, उनकी बेटी हूँ, उनकी तरफ से मैं आपको आश्वासन देने आई हूँ कि आपकी समस्याओं को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, आपका आदर करती है, उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा है, पर वे बहुत अच्छी तरह समझती है कि आपके प्रेम और आपके समर्थन के बिना वह भी कुछ नहीं है और हम सब कुछ हैं। जो भी हम हैं इस देश में जितना सम्मान हमें मिला है, जितना प्रेम हमें मिला है, ये सब आप ही की देन है और इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए सोनिया जी की तरफ से मैं आपको आश्वासन देने आई हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करेगी। जिस तरह उन्होंने 5 सालों में आपके क्षेत्र में परिवर्तन लाने के अपना परिश्रम किया है, विकास लाने का परिश्रम किया है, उसी तरह से मैं 5 साल और काम करती रहेंगी आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य बनाने के लिए और रायबरेली क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए। उनका काम रुकेगा नहीं, चलते जाएगा। यह सब बातें आपसे करने आई थी, मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतना इंतजार किया। जय हिंद।